कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे कातिल बाजार के बारे में, जानेंगे बाजारों में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के आज के रेट के बारे में जानेंगे, साथ देखेंगे किस तरह उतार चढ़ाव ट्रेंड मार्केट में देखा जा रहा है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बात करते हैं खाद्य तेल बाजार के बारे में। तो सोयाबीन की कीमतों में उत्पादक मंडियों में स्थिरता के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। मिलें जरूरत के हिसाब से बाजारों में सोयाबीन में व्यापार कर रही हैं और सरसों में आने वाले टाइम पे जैसे जैसे आवक बढ़ती जा रही है नई फसल की, उसका असर आपको सोयाबीन में भी यानी सारे खाद्य तेल तिलहन बाजार पर देखने को मिल सकता है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो कीमतों में गिरावट ही देखी जा रही है। महाराष्ट्र में लातूर में आयरन प्लांट का रेट 5575 है, 25 रुपए गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। धनराज प्लांट कीमतें 5650 है, 20 रुपए की गिरावट दर्ज करी गई है। दुनिया में किसान प्लांट का रेट 5560 है, 15 रुपए गिरावट दर्ज करी गई है। यहाँ पर नांदेड़ में श्रीनिवास कैटल फीड प्लांट कीमतें 5500 रुपए चल रही है। मध्य प्रदेश में इटारसी प्लांट का रेट मार्केट में 5625 है और कृति प्लांट कीमतें 5550 देखी जा रही है। इसके अलावा प्रेस्टीज प्लांट में 5600 रुपए का रेट चल रहा है। प्रकाश प्लांट कीमतें 5575 आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। तो सोयाबीन में बहुत ज्यादा तेजी आने का अनुमान नहीं है, सोया तेल में एक भाव कमजोर है। उधर शिकागो में भी सोया तेल, सोयाबीन और मील के दाम बाजारों में तेज खुले हैं। व्यापारी मान रहे हैं कि घरेलू बाजार में सोयाबीन की आवक बराबर बनी हुई है और मिलियन जरूरत के हिसाब से ही खरीद कर रही हैं। इसको देखते हुए बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी आने का आसार फिलहाल के लिए मार्केट में नहीं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हों तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।